सभा हो रही है, चुनावी सभा, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में अमित शाह के सीधे संबोधन को। फायदा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया और 1600 मेगावाट का विद्युत संयंत्र आज विद्युत उत्पादन करने से शुरू हो गया है। 25,563 घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 225 किलोमीटर लाइन बिछाई गई है और 6,000 से ज्यादा बिजली के खंभे लगाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 90% अनुदान पर दुधारू गाय महिलाओं को दी है और 1825 महिला मंडल गठित कर 21,900 से ज्यादा बहनों को काम देने का काम किया है। मित्रों, इस संथाल परगना की बात करें तो देवधर और दुमका में एयरपोर्ट, डाकिया योजना के तहत 35 किलो अनाज, दुमका में मेडिकल कॉलेज, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ा, जामताड़ा, साहेबगंज और देवधर के लगभग 70 लाख गरीबों को इसका फायदा मिलने वाला है। साहेबगंज में गंगा नदी पर 4-लेन पुल, बंदरगाह और एक मल्टी मॉडल हब बनाया गया है जिससे यहाँ का माल विश्व भर के बाजार के अंदर जाएगा। 26 ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं का निर्माण पूरा किया गया है और 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को हमने घर देने का कार्यक्रम किया है। मित्रों, मोदी जी ने भी ढेर सारे काम झारखंड के विकास के लिए किए हैं। बाबा देवधर की नगरी में एम्स का निर्माण किया, देवधर, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो में एयरपोर्ट का निर्माण किया, रांची में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया, पतरातू में पावर प्लांट का निर्माण किया, हजारीबाग, पलामू एवं दुमका में मेडिकल कॉलेज पूर्ण होने वाली है, चाईबासा और कोडरमा में नई मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया, सिंदरी उर्वरक कारखाने की शुरुआत फिर से करी और ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, मगर मैं कुछ चीजें आज आपको पूछने आया हूं। ये सारे काम, विकास के काम, ये झारखंड की भूमि को एक आदर्श राज्य बनाने का काम ये तो नरेंद्र मोदी सरकार करेगी ही, मगर अभी अभी ये राहुल बाबा झारखंड में घूम रहे थे तो राहुल बाबा का मैंने भाषण सुना। उन्होंने कहा झारखंड वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है। मुझे बताओ भैया, आप लोग चाहते हो या नहीं चाहते हो कि अपना कश्मीर भारत में जुड़ा रहे? जरा जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? माताएं बताएं, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ये राहुल बाबा और हेमंत सोरेन कहते हैं कि झारखंड की जनता का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे राहुल बाबा, आपको इस देश की पहचान नहीं है, पहचान नहीं है। यही झारखंड के हजारों युवाओं ने सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना में वो कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान देने का काम यही झारखंड के युवाओं। और ये कह रहे हैं कि कश्मीर और झारखंड का क्या लेन देन है, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको इटाली की भूगोल समझ में आएगी, भारत की भूगोल समझ में नहीं आएगी। मित्रों, आपने 19 के चुनाव के अंदर मोदी जी को 14 में से 12 सीटें दे दी। मोदी जी 305 सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। पहले ही सत्र के अंदर उन्होंने बिल लाया और 370 और 35 को हटाकर हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। मुझे बताइए भाइयों बहनों, 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, राहुल बाबा के कान तक आवाज जानी चाहिए, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा कहते हैं 370 हटाने का क्या मतलब है? राहुल बाबा, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करो, ये भारतीय जनता पार्टी है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, हमारे लिए देश के बढ़कर कुछ नहीं। अभी अभी
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर एक विराट मंदिर बनाया जाएगा। अब आप लोग नारे लगाकर हर्ष ध्वनि लगा रहे हो और राहुल बाबा कहते हैं कि भला अयोध्या और झारखंड का क्या लेन देन। मुझे बताओ भैया, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 100 साल से केस चल रहा था। ये कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में रही, जब जब केस चला, इन्होंने श्री राम जन्मभूमि का केस न चले इसके लिए अनेकानेक षड्यंत्र करे। ये कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहकर कहते हैं अभी मत चलाइए, अभी देर है। सिब्बल साहब, 100 साल हो गए, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी और यूनेनी मसली सर्वानुमत से फैसला दे दिया कि वहां जहां राम लल्ला जन्मे थे वहां आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर का निर्माण। अरे कांग्रेस पार्टी को जो विरोध करना है करने दो। मैं आज झारखंड की जनता को कहने आया हूं कि वहीं पर, वही राम जन्मभूमि पर आसमान को छूने वाला राम मंदिर बनने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, ये कहते हैं देश की सुरक्षा और झारखंड के चुनाव का क्या लेन देन? मुझे बताओ झारखंड वालों, मेरे युवा साथी बताएं, देश सुरक्षित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? ये कहते हैं झारखंड की जनता और देश की सीमाओं का क्या लेन देन? राहुल बाबा, ये झारखंड के वीर युवा ने ही देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपने जान की बाजी लगाई है। परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक